हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के जिसको हम कहते हैं छोटा बजाज फाइनेंस। लेकिन ये स्टॉक गोल्ड है, गोल्ड सोना का हो गया। आप इसको छोटा बजाज फाइनेंस क्यों कहते हैं, क्या डिटेल्स हैं टेक्निकल फंडामेंटल फ्रंट पे, लेकिन स्टॉक अगली रैली के लिए रेडी हो रहा है, बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। और आप भी रेडी हो जाइए, स्टॉक को देखिए, समझिए। बिल्कुल अब आपके समझ में ये स्टॉक आएगा, क्योंकि करेक्शन जो चली थी, पानी पीने का टाइम जिसको हम कहते हैं, वो आया था और अब स्टॉक वापस रेडी हो रहा है। चलिए बात करते हैं इसकी टेक्निकल फंडामेंटल फ्रंट पे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, इस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। सबसे पहले स्टॉक का नाम ये जूम करके आपको दिखाता है, स्टॉक का नाम मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। आज का प्राइस 6% की तेजी देखने को मिली, लेकिन आज की तेजी काफी इंपॉर्टेंट थी। इसने हमारे उस लेवल को पार किया जो कि बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था। अब आने वाले दिन इसके लिए बहुत सही, मैं कहूंगा अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। 30% की डिलीवरी आज देखने को मिली है और एक टाइम पे हाई जो बनाया 167.25 का इसने हाई बनाया। तो ये तो हो गया आज का, यानी कि 1 अक्टूबर का कारोबार। सोना है भाई, सोने का शेयर, सोने का कारोबार। अब आप कहोगे भाई दिवाली आ रही है, सोने की बात चल रही है। यहाँ पे दो शेयर आपने देखे होंगे, बड़े शेयर मुथूट फाइनेंस और मन्नापुरम फाइनेंस, इनका काम है सोने का, यानी कि गोल्ड लोन मेजरली फाइनेंसिंग करते हैं, गोल्ड लोन इंपॉर्टेंट। अब देखिए जरा छोटा बजाज फाइनेंस हम इसको क्यों कहते हैं। अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन देखूं तो 13,000-14,000 करोड़ के आसपास है मन्नापुरम फाइनेंस की, लेकिन अगर देखा जाए सेल्स ग्रोथ 17% के आसपास है, प्रॉफिट ग्रोथ 24-25% है। कंपनी जबरदस्त है, फाइनेंस की कंपनी। लेकिन अब जरा इसका प्रॉफिटेबिलिटी एंड रेवेन्यू को देखिए, आप फैन हो जाओगे भाई, फैन। आप कहोगे क्या ग्रोथ है भाई। 2006-2007 में जब आप इस कंपनी का रेवेन्यू देखोगे तो 20-40-80 करोड़ तक गया था, फिर 160 करोड़ हुआ, यानी कि हर साल रेवेन्यू डबल हो रहा था। फिर उसके बाद तो चकाचौंध वाला रेवेन्यू, 2,000 करोड़, 3,000 करोड़, 4,000 करोड़, 5,000 करोड़, अब 6,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, कोई कमी नहीं है। फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर, रेवेन्यू की ग्रोथ आपने देख ली, जरा प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ देखिए। अब आप कहोगे भाई क्या शेयर है, सिंगल डिजिट यानी कि 4 करोड़, उसके बाद 11 करोड़, 21 करोड़, 30 करोड़, फिर आ जाता है ट्रिपल डिजिट में यानी कि 220 करोड़, फिर 300, 700, 600, 700, 800, 900 देखिए, और रिसेंट कितना more than 1500। तो सिंगल डिजिट से 4 डिजिट के प्रॉफिट पे पहुंच चुका है, करोड़ों की बात हो रही है यहाँ पे। अब आपको कह रही है तो बहुत ही दमदार शेयर है, मजेदार शेयर है, फंडामेंटल्स अब आपने देख लिए, समझ लिए। अब बात आती है शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको इसलिए बताता हूँ अच्छे अच्छे शेयर्स कि कौन यहाँ पे खरीदारी कर रहा है, डिविडेंड भी ये कंपनी देती है, ये भी देख लीजिए आप। अब बात करते हैं इस शेयर की, गिरावट आई बहुत। एक तो सबसे अच्छी बात स्टॉक में मुझे ये लगी कि धीरे धीरे करके, धीरे धीरे, और इस कंपनी ने क्या किया, अपने गिरवी रखे हुए शेयर, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच्चाई है, मार्च 2019 में इस कंपनी के प्रमोटर्स ने 4.9% शेयर्स अपने गिरवी रखे हुए थे, जो कि गिर के 3.4% हुआ, 2.2% हुआ, और आज की डेट में इस लास्ट क्वार्टर जो बीता है वो 1.7% हो गया, जो कि मुझे अच्छा लगा कि गिरवी रखे हुए शेयर छूट गए, बहुत ही बढ़िया। अब मैं बात करूंगा म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देख के मैं ये कहूंगा कि अब आप सोचोगे कि मार्च में गिरावट आई थी तभी लोगों ने खरीदा होगा, जी नहीं, इस शेयर को म्यूचुअल फंड वाले मान के चलिए कि दिसंबर में जो लो था उसके बाद मार्च में भी खरीदा, उससे पहले भी खरीदा, और एक टाइम पे 3.2% का लो था मार्च 2019, उसके बाद धीरे धीरे एक्युमुलेशन स्टार्ट किया, लेकिन दिसंबर में थोड़ा सा गिरावट हुई उस एक्युमुलेशन में, और वापस मार्च जून में फिर से खरीदारी करनी स्टार्ट कर दी। इवन फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की होल्डिंग भी देखी जाए तो 38% के आसपास है। अब जरा शेयर होल्डिंग देखते हैं प्रमोटर को, तो आपने देखे, अब जरा देखिए यहाँ पे डीएसमी स्मॉल कैप फंड, एलएनटी म्यूचुअल फंड, ये बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं। होल्डिंग देख सकते हो आप कैसे 3.24% से बढ़ के कितनी हो गई है, 8% से ऊपर, यानी कि 2019 मार्च में 3% थी, वहां से डबल से भी कहीं ज्यादा आपको ये दिख रहा है। और यहां पे अगर आप शेयर देखोगे तो 2,70,00,000 के आसपास शेयर थे, जो कि आज की डेट में 7 करोड़ से ज्यादा शेयर्स हैं, बहुत ही बढ़िया बात। ये तो आपने किनका नंबर देखा, म्यूचुअल फंड वालों का। जरा फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की होल्डिंग देखते हैं, इनमें कमी जरूर देखने को मिली है, लेकिन फिर भी 38% होल्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की है।
अब मैं आपको रिटेल निवेशकों की तरफ लेके चलता हूं। छोटा शेयर होने के बावजूद यहां पे 1.5 लाख रिटेल निवेशक इन्वेस्टेड हैं और इनकी परसेंटेज होल्डिंग 9% के आसपास है। शेयर होल्डर्स को लगता है मेरे को कि रिटेल निवेशकों को भी काफी पसंद ये शेयर है और 7 से 8% रिटेल निवेशकों की होल्डिंग जरूर थोड़ा कम हुई है इसमें, पहले 12-13% के आसपास भी हुआ करती थी जो कि अभी 8-9% के आसपास देखने को मिल रही है। अब इस स्टॉक का आपके सामने लाने का जो मेन रीजन क्या है, इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि टेक्निकल एनालिसिस वाला पार्ट ना कभी मिस मत किया कीजिए और उसको सीखिए जितना सीख सकते हो आप। एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए टेक्निकल एनालिसिस जो है ब्रह्मास्त्र होती है, इस चीज को याद रखें, इस चीज को समझें। ब्रह्मास्त्र मतलब आपके लिए बहुत बढ़िया वेपन ये होती है। अब देखिए, इससे पहले की भी अगर मैं बात करूं, करेक्शन, उसका रिजोल्यूशन, फिर से करेक्शन आया था 2018 के टाइम पे जब आपने देखा होगा फाइनेंशियल शेयर में रिजोल्यूशन तेजी। और आप ये देखिए, फरवरी मार्च में बड़ी गिरावट, शेयर ने ऐसा गोता लगाया कि 200 के लेवल से गिर के कहां पहुंच गया, सीधे 74 के लेवल पे। अब बात आती है, आप कहोगे यार 74 के लेवल पे खरीद लेते। देखिए, जब शेयर गिर रहा होता है ना, जब तक आपको उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आया कि हाँ ये ट्रेंड चेंज हो चुका, तब तक खरीदारी में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। और स्टॉक मार्केट में अगर आपको लंबे टाइम तक बना रहना है, यानी कि ये नहीं कि एक दो दिन, आप बीच में एक महीना दो महीना एक साल, अगर आपको लंबे टाइम तक रहना है तो आपको रिस्क को समझना पड़ेगा। और अगर आप रिस्क समझ गए फिर उसको मैनेज करना आपको आना चाहिए। और अगर आपको रिस्क मैनेज करना आ गया तो फिर आप समझ लीजिए कि आप परफेक्ट हो स्टॉक मार्केट के लिए और लंबा चलने वाले हो। तो अब इसी सिचुएशन को मैं आपको देखता हूं। देखिए, ये जो तेजी देखने को मिली थी ना अप्रैल के मंथ में, उसके बाद छोटी कैंडल, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लायंस अटैक। यानी कि थोड़ा सा पीछे आएगा, पानी पीने आएगा स्टॉक, और फिर पानी पीने के बाद फिर से रैली देखने को मिलेगी और वही आपको देखने को मिला है। तो ये स्टॉक हमने 125-30 के लेवल पे एक बार पहले पकड़ा था, उसके बाद रैली आके प्रॉफिट बुकिंग यहां पे देखिए 190 के आसपास गया था, लेकिन फिर से करेक्शन आया, फिर से पानी पीने आया। 3 महीने का ये करेक्शन अब रिजॉल्व होने का नाम ले रहा है। बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से देखिए, मंथली में रिजॉल्व होने का नाम ले रहा है और पिछले हाईज को पार कर रहा है। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि ये स्टॉक काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे आ चुका है, क्रिटिकल लेवल पे आ चुका है। अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे इसको दिखाऊंगा, इसको समझाने की कोशिश करूंगा। यानी कि वीकली पे चलते हैं। सबसे पहले वीकली पे जरा सिचुएशन को समझिए। ये देखिए, पहले तेजी आई थी अप्रैल के मंथ में, एक छोटी करेक्शन, फिर से तेजी थी, फिर ये करेक्शन आपने देखा, लेकिन उसके बाद ये वाली तेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट तेजी, लेकिन इस तेजी के साथ साथ जो करेक्शन आया वो और भी इंपॉर्टेंट। अभी यहां पे हमेशा मैं आपको कहता हूं ना, कभी भी कोई भी क्रॉस आपको बने तो अगला करेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। बुलिश क्रॉस बने या बेयरिश क्रॉस बने, तो ये बुलिश क्रॉस बना और उसके बाद की करेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और इस स्टॉक को जैसे हमने अभी कुछ टाइम पहले आपके लिए वीडियो बनाया था, 2 दिन पहले, ट्राइडेंट का, ट्राइडेंट पे भी आपने देखा होगा सिमिलर सिचुएशन, तेजी से भागा फिर करेक्शन आया और करेक्शन के रिजोल्यूशन हमने आपको 6.70-6.90 रुपए के आसपास, वो उस टाइम पे उसी रेंज में ट्रेड करता था, उसी टाइम पे आपको अपडेट कर देते हैं भाई करेक्शन रिजोल्व होने वाली है, कभी भी स्टॉक में बड़ा धमाका हो सकता है। और आज की डेट में स्टॉक ने 20% का जंप दे दिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो लेटेस्ट वीडियो में जाके उसको जरूर देखें। और आज इस स्टॉक की बात करते हैं, देखिए ये स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम पे बड़े धमाके की ओर जा रहा है और आज की क्लोजिंग ने तो आंखें खोल दी। आज की क्लोजिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस रेंज में और वही हुआ, आज के क्लोजिंग प्राइस ने आंखें खोल दी और स्टॉप लॉस तो हमको ऑलरेडी मिल चुका है, 138-137 के आसपास वीकली का स्टॉप लॉस हमें ऑलरेडी मिल चुका है इस रेंज में। एंट्री यानी कि एक्युमुलेशन, जो लोग समझ रहे थे इस चीज को, कभी भी जंप आ सकता है, ऑल्दो पिछले वीक में काफी नीचे गया, फिर एक्युमुलेशन यहां पे जोन 150 से 160 का एक्युमुलेशन जोन है। और कल तो भाई ये यहां से, कल नहीं कहूंगा मैं इसको, अब मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाके और डिटेल में समझने की कोशिश करूंगा कि किस लेवल के आसपास हमको यहां पे ब्रेकआउट की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। मैं पहले यहां पे वीकली पे आपको पहले RSI का चार्ट भी जरूर दिखाने की कोशिश करूंगा, उसको आप देखिए के चार्ट को, वो हमको बहुत कुछ यहां पे सिखाएगा। देखिए, ये थोड़ा स्क्रॉल इधर हो गया तो मैं आपको लेके जाता हूं रिसेंट इंफॉर्मेशन पे। RSI मैं आपको इसीलिए इंक्लूड करता हूं ताकि आपको स्ट्रेंथ देखने को मिल जाए इस करेक्शन की। स्ट्रेंथ को जो मैं देख पा रहा हूं, ये देखिए, ये पुराने जो रेंज है वो पार होती हुई नजर आ रही है धीरे धीरे, जो कि एक पॉजिटिव फैक्टर है। बट अगर आप किसी स्टॉक में 200% भी श्योर हो तब भी आपको अपने रिस्क को मैनेज करके चलना है और ये रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया ना, 138-137 के आसपास यहां से प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रहा है, अपसाइड जा रहा है, बायर एक्टिव हो रहे हैं, डिमांड जोन है, तो ये आपका स्टॉप लॉस यहां पे हो जाता है। और RSI भी आपको देखा कि किस तरीके से पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रही है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे समझते हैं। अब छोटा टाइम फ्रेम हमारे पास डेली का टाइम फ्रेम है, बिल्कुल जैसे आज हम सुबह देख रहे थे कि हमारे पास जो ट्राइडेंट के शेयर में तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन ये एरिया जो है ना, ये काफी क्रिटिकल एरिया है और एक मैं कहूंगा इसको एक एरिया ब्रेकआउट जरूर हुआ है। ये जो डाउन की दो लाइंस मैंने ड्रॉ की है, ब्रेकआउट जरूर हुआ, लेकिन ब्रेकआउट के नियर
कभी भी देखिए ये पूरे ये बुलिश क्रॉस यहाँ पे बन रहा है, ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अभी चाहे कल की डेट में थोड़ा और ऊपर भागे इस तरीके से सिचुएशन दे आपको, या फिर थोड़ा कंसोलिडेशन अभी कल दो चार दिन कंसोलिडेशन यहीं पे दे दे, तो ये और अच्छा हो जाता है किसके लिए, किसी भी स्टॉक के सक्सेसफुल ब्रेकआउट के लिए। लेकिन फिलहाल जब अगर ऊपर की रेंज देखी जाए तो 190-100 के आसपास ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, तो फिलहाल ज्यादा नहीं मैं कहूंगा इस एरिया में फिर से हमको हॉल्ट यहाँ पे देखना चाहिए, इस एरिया में हॉल्ट। अगर मैं डेली पे आरएसआई की बात करूं तो पॉजिटिविटी आप देखिए पिछले हाई के लेवल को ये ऑलरेडी पार कर चुका है, दैट इज अ गुड थिंग, दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। नाउ करेक्शन कंसोलिडेशन या फिर एक पुलबैक काइंड ऑफ सिचुएशन देखने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। तो ये मन्नापुरम फाइनेंस की हमने बात करी, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा। तो टेक्निकल एनालिसिस जो जिस तरीके से हम एनालाइज करते हैं, बहुत ही बेसिक बहुत ही लेमेन वाली चीजों में हम एनालाइज करते हैं ताकि हर कोई चीजों को समझ पाए, तो इसको आप भी डिटेल में सीख सकते हो। ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, कोई लाखों की फीस नहीं है इसीलिए, ताकि सारे लोग मैक्सिमम लोग यहाँ पे सीख पाए, चीजों का फायदा ले पाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।